हेलो गाइस, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं अपना नया चैप्टर, नया चैप्टर जिसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स। तो अकाउंट्स में इस चैप्टर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है दोस्तों, और इस चैप्टर के साथ अब हम इश्यू ऑफ शेयर्स कैसे होता है, ये शेयर्स क्या होते हैं, इसका प्रोसीजर कैसे होता है, कौन कौन से इसमें केसेस आ सकते हैं और जनरल एंट्री होंगी तो कैसे होंगी, ये सब बातें आज हम करेंगे। तो इश्यू ऑफ शेयर्स कौन कर सकता है, आइए शुरुआत से इसके बारे में देखें। तो चैप्टर का नाम है दोस्तों इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है जी। और ये जो इश्यू ऑफ शेयर्स है मेरे भाई, एक तो आ गया वर्ड इश्यू और एक हो गया शेयर्स। सवाल आता है कि करेगा कौन? कंपनी जो कि एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि सोल प्रोपराइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, उसी तरह से कंपनी भी आपने एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में पढ़ा है। बोलिए हाँ या नहीं। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में पढ़ा है। तो पैसा किस तरीके से लिया जाता है कंपनी के द्वारा, ये सब बातें आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, कंपनी जो है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। कंपनी अपने कैपिटल को, बिजनेस को करने के लिए जब कैपिटल लाती है, कंपनी ने बिजनेस करना होगा, बोलिए हाँ या ना। यस। उस बिजनेस में कैपिटल की जरूरत होगी, बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल। ये जो कैपिटल है, ये सारी की सारी कैपिटल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाती है, ठीक है कि नहीं? क्यों डिवाइड कर दी जाती है? ताकि बहुत सारे लोग इसमें पैसा लगा सके। अगर ये एक पब्लिक कंपनी है, अगर ये प्राइवेट कंपनी है, अगर ये प्राइवेट कंपनी है तो भी दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर इस कंपनी को बनाएंगे तो कितना हिस्सा कौन लगाएगा, ठीक है कि नहीं? इसीलिए इसे डिवाइड किया जाता है। तो कैपिटल जो है, क्या की जाती है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाती है, और वो छोटे छोटे पार्ट्स कहलाते क्या है दोस्तों? शेयर्स। क्या कहलाते हैं? शेयर्स। आइए दूसरे तरीके से देखें। मान लीजिए कि कंपनी में बिजनेस की रिक्वायरमेंट पता की गई और पता लगा कि जी कंपनी की कैपिटल चाहिए होगी 10 लाख रुपए, ठीक है जी। अब 10 लाख रुपए अगर चाहिए तो क्या करें? कंपनी अपने इस पूरी की पूरी कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। कैसे? उस छोटे पार्ट का, स्मॉल पार्ट का उसकी एक वैल्यू रख दी जाएगी, ठीक है जी। उस स्मॉल पार्ट का नाम क्या होगा? शेयर। क्या होगा? शेयर। सो शेयर क्या हो गया? The part in which the capital of the company is divided. तो ये जो 10 लाख रुपए की कैपिटल है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाएगी। उस हर पार्ट की एक वैल्यू होगी, वो वैल्यू ₹1 भी हो सकती है, ₹10 भी हो सकती है, ₹10 भी की जगह 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, whatever भी दिमाग 50 हो सकती है, whatever। तो ये जो स्मॉल पार्ट की वैल्यू है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी वैल्यू उस स्मॉल पार्ट की रखना चाहते हैं। अब प्रेजम्पशन ले लेते हैं, मान लेते हैं कि इनमें से कोई भी कंपनी हो, तरीका कैपिटल का एक ही होगा। मान लीजिए कि इस कंपनी का बिजनेस जिसका है, उसका नाम है एक्स लिमिटेड। इसने कहा कि हमारा जो स्मॉल पार्ट होगा, शेयर जो होगा, उसकी वैल्यू 10 रुपए होगी। कंपनी का डिसीजन था, ले लिया गया। अब कंपनी की टोटल कैपिटल का अमाउंट, कंपनी ने देखा कि हमें 10 लाख रुपए चाहिए, 10L। एक पार्ट की कीमत 10 रुपए है, ठीक है दोस्तों, एक पार्ट की कीमत 10 रुपए है। टोटल कैपिटल का अमाउंट 10 लाख रुपए है, तो जरा बताइए कितने पार्ट्स उसके हो गए। आइए देखें, 10 लाख रुपए की कैपिटल, ठीक है जी,
हम इसे कहते हैं शेयर कैपिटल, क्योंकि किससे बनी, शेयर से बनी। टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए है, और अगर मैं उसको एक शेयर वैल्यू से, एक शेयर की वैल्यू से, एक पार्ट की वैल्यू से डिवाइड कर दूं, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय वैल्यू पर शेयर, ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे दोस्तों, हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, यानी 1 लाख शेयर्स, क्या कहा दोस्तों, 1 लाख शेयर्स में डिवाइडेड है ये पूरी की पूरी 10 लाख रुपए की कैपिटल। यानी कंपनी ने बिजनेस शुरू किया, कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, कंपनी ने उस कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। उसका मेजर कारण होता है कि जब व्यक्ति जो शेयर होल्डर है अगर वो अपने हिस्से को बेचना चाहे तो उसको बेचना बहुत ज्यादा आसान होना चाहिए, और उसे आसान करने का तरीका क्या है कि उसे शेयर को, शेयर कैपिटल को छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइड कर दिया जाए। तो मेरे पास जितने शेयर होंगे उसकी जितनी वैल्यू होगी उसके हिसाब से मैं कुछ पोर्शन को चाहूं तो उस पोर्शन को बेच भी सकता हूं, ना चाहूं तो अपने पास रख सकता हूं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाई द शेयर इज बीइंग डिवाइडेड इनटू दीज मल्टीपल पार्ट्स इज सो दैट द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स बिकम्स वेरी वेरी इजी। तो इसका मतलब यह हुआ कि आज कंपनी ने अपने शेयर्स को डिवाइड कर दिया है, कंपनी ने कहा कि हमारी अगर आज शेयर कैपिटल की आप बात करो तो कंपनी की शेयर कैपिटल कैसे हो गई, आइए देखें। शेयर कैपिटल क्यों बोला मैंने इसे, क्योंकि कैपिटल को शेयर्स में डिवाइड कर दिया। शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इन टू 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each। तो शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इंटू 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, दैट मीन्स 1 लाख शेयर्स हो गए मेरे दोस्तों एट द रेट ऑफ रुपीज 10 each। टोटल कितनी हो गई शेयर कैपिटल, 10 लाख रुपए की टोटल कैपिटल हो गई। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? अब सवाल ये आता है कि कंपनी किस तरीके से अपने सारे के सारे शेयर्स को इश्यू करती है। हमने शेयर्स की बात की, अब हम बात करेंगे इश्यू की। ये कौन करेगा, ये सारा किसके द्वारा होगा दोस्तों, बाय कंपनी, इज दैट क्लियर, बाय अ कंपनी। तो अब चलता हूं मैं आगे। अब सवाल ये आता है कि कंपनी ने अगर फॉर एग्जांपल सारे के सारे शेयर्स को इशू करना है तो इशू करने का तरीका क्या होगा। 10 रुपए का अगर एक शेयर है दोस्तों, तो अब सवाल ये आता है कि उसे आगे किस तरीके से बहुत सारे इन्वेस्टर्स में बांटा जाए जो जो हमारे शेयर्स को लेने के लिए राजी हैं। तो कंपनी कहती है कि मैं अपने शेयर्स को इशू करना चाहती हूं, यानी इशू ऑफ शेयर करके कैपिटल को लेना चाहती हूं, कंपनी ये बोलती है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको चलाने वाले लोग जो हैं वो कौन है दोस्तों, कंपनी के डायरेक्टर्स। तो है तो एक कैसी कंपनी, आर्टिफिशियल, उसे चलाता कौन है, नेचुरल पर्सन, बट क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है इसीलिए प्रज्यूम किया जाता है कि कंपनी के बिहाफ पर जो भी डिसीजन लिए गए हैं किनके द्वारा, डायरेक्टर्स के द्वारा, वो एक्चुअली कंपनी के द्वारा ही लिए गए हैं। नाम किसका आएगा, कंपनी का आएगा, राइट। तो इश्यू ऑफ शेयर्स करके कैपिटल को अरेंज करना चाहती है ये कंपनी। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई, कैपिटल को अरेंज करना चाहती है। अब सवाल ये आता है कि मैंने 1 लाख शेयर्स में बांट दी अपनी कैपिटल,
एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच. अब 10 रुपए का एक शेयर है, मेरे पास कई टुकड़े हैं उस शेयर्स के, ठीक बात है कि नहीं? मेरे पास तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, 1,00,000 पार्ट्स हैं. इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एक ही बंदा ले या दो बंदे ले या चार ले. तो ऐसे केस में मान लिया जाए कि मैं पब्लिक कंपनी की ही बातें करता हूं, प्राइवेट कंपनी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक में इशू शेयर नहीं करती, ठीक बात है कि नहीं? पब्लिक कंपनी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो क्या करती है. पब्लिक कंपनी सबसे पहले प्रोस्पेक्टस बनाती है, उस प्रोस्पेक्टस को ले जाकर के वो पब्लिक में इशू करती है, बहुत सारी पब्लिक के लोगों को इनवाइट करती है कि आओ मैं अपने शेयर्स बेचना चाहती हूं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आओ मेरे पास एप्लीकेशंस भेजो, प्रोस्पेक्टस के पीछे एप्लीकेशन लिखिए उसे फिल करो और मेरे पास भेजो. अगर मुझे ठीक लगा, आपका प्रोफाइल ठीक लगा, तो हम आपको अपने शेयर बेच देंगे. ये कंपनी की मर्जी होती है. इज दैट क्लियर? कंपनी की मर्जी है कि वो अलॉट करे या ना करे, एप्लीकेशन इनवाइट की जा रही है. इज दैट क्लियर और नॉट? तो पब्लिक कंपनी, मैं यहां जब बातें करूंगा तो किसकी करूंगा? पब्लिक कंपनी. थोड़ी देर पहले मैंने पब्लिक और प्राइवेट लिखा. पब्लिक और प्राइवेट क्यों लिखा? क्योंकि शेयर्स तो दोनों के ही होते हैं, बट इश्यू ऑफ शेयर्स जो पब्लिक में किया जाएगा वो पब्लिक के द्वारा किया जाएगा, केवल पब्लिक कंपनी के द्वारा किया जाएगा. इसीलिए जो प्रोसीजर आप देखने जा रहे हैं अभी वो पब्लिक कंपनी का है. इज दैट क्लियर? क्योंकि पब्लिक में ही हम इश्यू करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे, राइट? तो पब्लिक कंपनी ने क्या किया, आइए देखिए. पब्लिक कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, ठीक है दोस्तों? प्रोस्पेक्टस किसमें इशू किया? पब्लिक को इशू किया. पब्लिक को ठीक लगा तो पब्लिक ने क्या किया? एप्लीकेशंस भेजी कि हम आपके शेयर्स लेना चाहते हैं, जी हम आपके शेयर्स लेना चाहते हैं. कंपनी कहती है ठीक है ठीक है, हम देखेंगे. कि आपने वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके भेजा जो हमने प्रोस्पेक्टस के पीछे लगाया था? वो कहेंगे हाँ जी हाँ, हमने एप्लीकेशन फिलअप कर दी बिल्कुल अच्छी तरह से. कंपनी कहेगी ठीक है, मैंने उसके साथ एप्लीकेशन जो आपने भेजी है उसके साथ पैसा भी मांगा था कि कुछ एप्लीकेशन मनी भेजो, मैं जरा चेक तो करूं कि कितने लोगों का इंटरेस्ट है मेरे शेयर्स को खरीदने में. तो क्या करती है कंपनी? ये पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, एप्लीकेशन फॉर्म इसके साथ अटैच जो होता है, और पब्लिक में जब इशू होता है तो पब्लिक उन एप्लीकेशंस को भर के फिलअप करके साथ में एप्लीकेशन मनी भी भेजती है, क्योंकि भैया सीरियसनेस भी तो चेक करनी होती है ना. ऐसे तो कोई भी आ जाएगा हाँ जी हाँ मैं शेयर्स लूंगा. सीरियसनेस चेक करने का तरीका क्या है कि एप्लीकेशन मनी ले लो साथ में थोड़ा सा. अब आप कहोगे जी थोड़ा सा क्या, पूरा ही ले लो एक बार में. बिल्कुल ठीक बात है जी. तो एप्लीकेशन मनी हो सकता है पूरे 10 रुपए हो, पूरी की पूरी शेयर की वैल्यू 10 रुपए क्या कहलाती है? फेस वैल्यू. जो शेयर का हमने अमाउंट रखा क्या बोलते हैं दोस्तों से? फेस वैल्यू, ठीक है कि नहीं? इसका एक और भी नाम है, इसे कहा जाता है पार वैल्यू. पार वैल्यू क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन ज्यादातर से क्या कहा जाएगा? फेस वैल्यू. पार वैल्यू कहलाने का भी एक रीजन है, वो आपको बताऊंगा. तो भैया हो सकता है कि वो सारी की सारी फेस वैल्यू एक ही बार में मंगा ले, ऐसा भी पॉसिबल है. इसे हम कह देंगे लमसम. क्या बोल देंगे इसे? लमसम. एक ही बार में सारा पैसा मंगा लिया. ये हो गया दोस्तों केस वन. ऐसा भी हो सकता है कि वो केस टू फॉलो करे, यानी वो क्या करे? फुल फेस वैल्यू ना मंगाए. यहां पर तो क्या किया गया? फुल फेस वैल्यू मंगा ली, लेकिन यहां पर क्या कहे? पार्ट ऑफ फेस वैल्यू मंगाए. यानी एक तरह से ये था लमसम का केस, और ये क्या हो गया दोस्तों? इंस्टॉलमेंट का केस. बात समझे कि नहीं? यानी दो केस हो गए आपके सामने, कि कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करेगी पब्लिक में इशू करेगी, प्रोस्पेक्टस में कंपनी की सारी डिटेल्स होगी कि आप जो पैसा दोगे हम उस पैसे का क्या यूटिलाइजेशन करेंगे, सारा पैसा किस जगह लगाया जाएगा, इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और उसके बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा. ये सारी कहानियां, सारी कंपनी की इंपॉर्टेंट चीजें सब प्रोस्पेक्टस में लिख दी जाएंगी और पीछे अटैच कर दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म. अब एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिक फिलअप करके भेजेगी,
एप्लीकेशन जब भेजेगी तो फिलअप करके भेजेगी, साथ में एप्लीकेशन मनी भी भेजेगी। अब कंपनी की मर्जी थी, पब्लिक कंपनी की मर्जी थी कि वो केस वन फॉलो करे या फिर केस टू फॉलो करे। ये केस वन और केस टू जो है ये कंपनी की मर्जी है दोस्तों कि वो कंपनी किस तरीके से पैसा लेना चाहती है। ये पब्लिक पर डिपेंडेंट नहीं है कि वो सारा पैसा दे या इंस्टॉलमेंट में दे। ये सब कौन डिसाइड करेगा? पब्लिक कंपनी डिसाइड करेगी। तो कंपनी ने डिसाइड किया जी मैं तो सारा का सारा पैसा एक ही बार में लू, तो ठीक है जी हमारा हमारा डिसीजन ये है कि हम केस वन फॉलो करेंगे और इसके मुताबिक 10 के 10 रुपए एक ही बार में मंगा लेंगे। बिल्कुल ठीक है, लमसम कहलाएगा, पॉसिबल है ये बात। कंपनी कहती है नहीं जी नहीं, एक काम करते हैं, सारा पैसा इकट्ठा नहीं मंगाएंगे, हम ना इंस्टॉलमेंट्स में मंगाएंगे ताकि लोग जो है उनके लिए पैसा देना आसान हो जाए, ठीक है या नहीं। तो उन्होंने क्या किया, इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगा लिया। अब इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हुआ कि पार्ट ऑफ फेस वैल्यू मंगाया। हो सकता है वो सारा 10 रुपया ना मंगाए, 10 में से कोई भी पार्ट मंगा ले, 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए व्हाटएवर भी दी अमाउंट, 1 रुपया भी मंगा सकते हैं भाई। तो ये है तरीका। इसका मतलब ये हुआ कि पहला पॉइंट जो हमारे सामने आया वो ये कि पैसा जब मंगाया जाएगा, ये जो 10 रुपए की जो फेस वैल्यू मंगाई जा रही है, या तो ये केस नंबर वन फुल मंगा लिया जाएगा यानी लमसम में, या फिर ये जो पैसा होगा वो केस टू के हिसाब से यानी इंस्टॉलमेंट से मंगाया जाएगा। ये पोर्शन हमारा ए पार्ट कहकर नोट कर लीजिए, ठीक है जी। अब दूसरी बात, ये तो वो पोजीशन हुई कि मैंने ये पैसा जो फेस वैल्यू है शेयर का, जो पर शेयर का पैसा है, ये 10 रुपीज पर शेयर था ना, ये पैसा किस तरीके से मंगाना है, एक बार में मंगाना है या मुझे पार्ट से मंगाना है। अब मैं इसका बी पॉइंट बताने जा रहा हूं दोस्तों, बी पॉइंट, ठीक है जी, बी पॉइंट यहां लिखने जा रहा हूं मैं। तो पहले आप ये नोट करेंगे, फिर ये नोट करेंगे, फिर ये नोट करेंगे। अब दोस्तों ये जरूरी भी नहीं कि मैं अपने शेयर की जो फेस वैल्यू रखी है उसी पर शेयर को बेचूं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं उस शेयर को उस फेस वैल्यू से ज्यादा में बेच दूं, हो सकता है उससे कम में बेचूं। आइए देखें, तो इसका मतलब यह हुआ कि 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए में ही बेचा मैंने, केस नंबर वन बी का केस नंबर वन, ठीक है जी। हो सकता है 10 रुपए वाला शेयर मैंने 12 रुपए में बेचा, 12 रुपए में बेचा, ज्यादा में बेचा मैंने, ठीक है कि नहीं। रुपीस लिख लेते हैं इसके आगे, 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में बेचा, ये हो गया मेरा केस टू। और हो सकता है 10 वाला शेयर 9 में बेचा, ये हो गया केस थ्री। तो आइए पहले इसके नाम पढ़ लेते हैं फिर बातचीत करेंगे। इसे कहा जाता है दोस्तों एट पार। क्या कहा जाता है? एट पार, यानी 10 का शेयर 10 में, इसीलिए इस 10 रुपए का नाम पार वैल्यू भी है। समझे या नहीं समझे? तो एट पार बेच दिया यानी 10 का शेयर 10 में, लेकिन अगर मैंने उसे ज्यादा में बेचा तो उसे बोलते हैं प्रीमियम, यानी कुछ एक्स्ट्रा, कंपनी की भाई वैल्यू ज्यादा है, कंपनी उसका उसका नाम ज्यादा बढ़ रहा है तो कंपनी अपने शेयर की वैल्यू ज्यादा भी रख सकती है। और क्योंकि लोगों को लगेगा अरे भाई ये तो कंपनी बहुत ही प्रीमियम कंपनी है, इसीलिए लोग उसका पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे भाई ज्यादा। एक और चीज आती है और वो है कम में बेचना, उसे बोलते हैं एट डिस्काउंट, ठीक है दोस्तों, कम में बेचना। तो मेरे भाई पहले जब तक कंपनीज एक्ट 2013 नहीं आया था, क्या कहा मैंने, कंपनीज एक्ट 2013 जब नहीं आया था तब तक पुराना वाला एक्ट फॉलो हो रहा था, ओल्ड एक्ट फॉलो हो रहा था, कंपनीज एक्ट 1956, और उसमें कई बार अमेंडमेंट्स आए। लेकिन तब तक यहां तक
1956 का जब तक बेसिक एक्ट था तब तक यहां तक डिस्काउंट पर शेयर्स बेचना अलाउड था, लेकिन जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो उन्होंने कह दिया कि कंपनीज अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर नहीं बेच पाएंगी, क्योंकि ये तरीका, और बात सही भी है बिल्कुल, कंपनी सिर्फ लुभाने के लिए डिस्काउंट पे शेयर्स बेच रही है, अल्टीमेटली वो तो नुकसान किसका था, शेयर होल्डर का ही है। ये कैसे शेयर होल्डर का नुकसान है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों बंद किया गया इसे, ये सब बताऊंगा जब मैं इस पॉइंट पर आऊंगा। अभी सिर्फ शॉर्ट में बता देता हूं कि भैया कंपनीज एक्ट 1956 में अलाउड था, कंपनीज एक्ट 2013 में दोस्तों ये अलाउड नहीं है। यानी ये एंट्रीज तो आपकी खत्म हो गई, लेकिन फिर भी शेयर्स को डिस्काउंट पर बेचा जा सकता है, देयर इज अ वे, मगर पब्लिक में नहीं, ठीक है कि नहीं। हां, अगर मेरे एम्प्लॉइज हैं और कोई एम्प्लॉई कहता है जी मैं तो कंपनी के अंदर अपना ये स्किल लेकर आ, या मैं अपनी कंपनी के अंदर अपना पेटेंट लेकर आ रहा हूं, यानी मेरी कोई ऐसी चीज मैंने इजाद कर रखी है, मैंने कोई ऐसा फॉर्मूला बनाया हुआ जो कि मैं कंपनी को दे रहा हूं, और या मेरे स्किल्स हैं जो मैंने उन चीजों को या किसी चीज को ट्रेडमार्क करवाया हुआ है, मैं वो सब चीजें कंपनी के लिए लेके आ रहा हूं, तो कंपनी उसके लिए उसे शेयर्स देगी। हो सकता है कि वहां पर शेयर डिस्काउंट पर इश्यू किए जाए, क्योंकि वो उस व्यक्ति की मेहनत, खून पसीने की कमाई, बड़ी मेहनत के ऊपर उसे पैसे दिए जा रहे हैं। ये काम जो इक्विटी शेयर्स देकर किया जाता है उसे कहा जाता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट यानी पसीना, बड़ी मेहनत से उसने ये चीज बनाई और कंपनी के लिए लेकर आया, तो कंपनी उसे क्या कहती है कि ठीक है जी, हम आपकी मेहनत